हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस क्लोज हुआ है 295 रुपीज़ पे, लगभग 5 रुपए नीचे, 1.5% लॉस के साथ। तो चलो एनालाइज करते हैं विद मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट भी आप देख सकते हो कि हम ट्रेड कर रहे हैं लॉस के साथ, लगभग 20% नीचे, 69 रुपीज़ लॉस के साथ। हम लास्ट मंथ जो है तो लगभग 87 रुपीज़ का गेन देखा था और 32% अप बंद हुए थे। तो वहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ आया है ऊपर के लेवल से, और लगभग हम 19-20% डाउन है, लगभग 70 रुपीज़ लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ जो है तो बाउंस बैक करने की कोशिश की थी नेचुरल गैस ने, मगर ऐसा लगता है कि बाउंस बैक जो है तो वो फेल हो चुका है। और यहाँ जो है तो लॉन्गर टर्म में हम नेचुरल गैस में शायद अभी डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ देख सकते हैं। और हम जो है तो अभी पिवट के नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, और हो सकता है कि जिस तरह से कोरोना काल में क्रूड ऑयल में एक स्लंप आया था और नेगेटिव में क्रूड ऑयल प्राइसेस गए थे, उसी तरह अगर ये यूएस और रशिया का वॉर होता है तो उसके वजह से यूएस जो है तो जो गैस प्राइसेस है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, सेम लाइक अ क्रूड ऑयल। और यहाँ जो है तो हम नीचे जो है तो लगभग $4-5 के लेवल भी नेचुरल गैस में आते हुए देख सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ही हार्ड है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। मगर जिस तरह से ये लेवल्स बने हैं तो ये अपने आप नहीं बनते, ये जो है तो ये प्राइस को ट्रैक करते रहते हैं और उसके हिसाब से ये जो लेवल्स है ये चार्ट पे प्लॉट होते हैं। और आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल ने वो सभी लेवल 2020 में उसको भी तोड़ दिया था और हम नेगेटिव में गए थे। अभी यहाँ नेगेटिव प्राइसेस रिकॉर्ड नहीं हुए क्योंकि वो जो है तो ओवरनाइट नेगेटिव हुई थी। यहाँ जो है तो चार्ट पे नेगेटिव और नेगेटिव स्केल रहती भी नहीं है चार्ट पे, तो यहाँ वो भी दिक्कत है। तो यहाँ वैसा सिनेरियो आ सकता है नेचुरल गैस में। तो लॉन्ग टर्म चार्ट बेरिश लग रहे हैं और यहाँ जो है तो एक के बाद नीचे के टारगेट आ सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा $195 का, उसके बाद में जो है तो $120 का, अगर उसके नीचे गए तो $5 का भी टारगेट नेचुरल गैस में आ सकता है। वहाँ टिकेगा नहीं मगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया लेवल है वो, तो उस लेवल पे अगर आता है नेचुरल गैस तो आपको बिल्कुल उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्यूचर को वहाँ से जो तो रोल ऑन कर सकते हो क्योंकि उसका बाकी अपने यहाँ तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चाहे तो फिर यूएस मार्केट में ETF हो गए नेचुरल गैस के, या फिर नेचुरल गैस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिस दिन नेचुरल गैस $5 के लेवल पे आता है। तो यहाँ ये जो पिक्चर दिख रहा है मंथली चार्ट पे वो बहुत ही बेरिश है नेचुरल गैस के लिए, और यहाँ जो है तो बहुत नीचे के लेवल हम देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसकी। अभी यहाँ वीकली चार्ट पे देखते हैं तो इस वीक जो है तो हम लगभग 16% नीचे बंद हुए, लगभग 55 रुपीज़ लॉस के साथ। यहाँ जो है तो अभी क्रूड ऑयल प्राइस लगभग 50 वीक के एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है छोटा सा। तो यहाँ अगर हम जो है तो लगभग ये 300 रुपये का लेवल है, तो 300 रुपये के लेवल के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो हमारा जो टारगेट बनता है वो $195 का बनेगा नेचुरल गैस में। तो यहाँ जो है तो बहुत ही स्ट्रिक्टली देखना है लेवल को और उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है क्योंकि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट है, ये तोड़ना इतना आसान नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए। अगर होता है टूटता है तो फिर उसके बाद में 260, 225 और 195 के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो हम लगभग जाएंगे 325-330 के लेवल की तरफ। तो अगर 330-325 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी, फिर शॉर्ट जा सकते हो। 340 का स्टॉप लॉस रहेगा मीडियम टर्म के लिए, और फिर से हमें जो टारगेट मिलेंगे 260, 225 और 195 के टारगेट जो है तो मीडियम टर्म में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ जो है तो अभी फिलहाल हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक की अपेक्षा है मुझे, मगर जब भी लॉन्ग पोजीशन लेंगे स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है तो ओवरनाइट कभी भी सीलिंग आ सकती है। और जो प्राइजेस के पैटर्न है, प्राइस पैटर्न वीकली और मंथली बहुत ही बेरिश है, तो उसका बहुत ही इफेक्ट रहेगा प्राइजेस पे और वो इम्पैक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट को। तो डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, लगभग 411 तक गए थे, वहाँ से फिर से सेलिंग आई और हम फिर से वही लेवल पे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसीलिए यहाँ जो है तो मल्टीपल सपोर्ट है, ये तोड़ना इतना आसान नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए, मगर यहाँ जो है तो
310 ऊपर बहुत से रेजिस्टेंसेज हैं, मगर आपको अगर शॉर्ट जाना है तो मेरे हिसाब से 330-325 के अराउंड एक परफेक्ट शॉर्ट बनता है, क्योंकि एक बाउंस बैक तो नेचुरल गैस देगा ही, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 340 के ऊपर रखना है। आपके जो टारगेट बनेंगे नेक्स्ट टाइम जो डाउन साइड मूव आएंगी उसके लिए नेचुरल गैस में टारगेट बनेंगे 275, और उसके बाद में जो है 235 के टारगेट इस महीने के लिए बन सकते हैं। या थोड़ा सा वोलेटिलिटी, थोड़ा सा पैनिक, उसकी वजह से ज़्यादा वोलेटिलिटी, दोनों तरफ के मूव ये सभी देखने को मिल सकते हैं, मगर आपको जो है तो दोनों, और नेचुरल गैस का नेचर भी बहुत ही वोलेटाइल है, तो वो आपको पता ही होगा अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो तो। क्रूड और नेचुरल गैस जो है तो बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है, तो उसको ट्रेड करना है तो कम लॉट साइज में कीजिए और दोनों तरफ खेलिए। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है जो 330 या फिर 335 तक भी जा सकता है, मगर वो जो बाउंस बैक आएगा उसको सेल करने के लिए यूज़ करना है विद अ स्टॉप लॉस, और फिर से हमें जो है तो नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से नेचुरल गैस नीचे टूट जाता है तो भी नीचे के टारगेट आएंगे, और वही टारगेट रहेंगे 275 और उसके बाद में 235, तो उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल पे अगर आपका शॉर्ट है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 310 के ऊपर, क्योंकि ये जो है ये 200 डेज का एवरेज है, इसके थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। मगर मुझे लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नेचुरल गैस बाउंस बैक दे सकते हैं, अगर बाउंस बैक आता है तो उसको सेलिंग के लिए यूज़ करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट रहेंगे 275-235। नीचे से जिनको बाय किया है और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है उनके लिए 290 का स्टॉप लॉस है, और ऑलरेडी मेरी पोजीशन भी है लॉन्ग साइड पे एक लॉट की, उसके लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 290 का। अगर 290 ट्रिगर हो जाता है तो हम उस पोजीशन में से जो भी लॉस है वो लेकर निकल जाएंगे। तो यह हमने डेली चार्ट पे देखा, यह दोनों तरफ के मूव देखते हैं। वीकली और मंथली चार्ट तो बहुत ही बेरिश, और मुझे लगता है कि जिस तरह क्रूड ने बहुत ही रिकॉर्ड लो दिखाए थे उस तरह नेचुरल गैस शायद इस बार रिकॉर्ड लो दिखा सकता है और सबको जो है तो सरप्राइज दे सकता है। मगर उस लेवल पे आपको नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विथ अ लॉन्ग टर्म व्यू, तो वो आपको जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट है वो ढूंढने होंगे। आप तो नेचुरल गैस रिलेटेड जो स्टॉक है उसमें कर सकते हो, या फिर यूएस मार्केट में ETF भी शायद अवेलेबल हो गए, या फिर उस रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड या बाकी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है उसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। और उस लेवल पे अगर नेचुरल गैस आता है तो उसमें जो है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन नहीं प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट वीक और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.